शुगर का सबसे अच्छा इन्वेंटेड प्रोडक्ट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू मेकअप ट्यूटोरियल। आज का मेकअप ट्यूटोरियल है बनारसी साड़ी के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था आप लोगों को, जो मैंने लास्ट क्रिएट किया था और आपने इतना ज़्यादा प्यार बताया उसके ऊपर कि मुझे नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेके आना ही पड़ा। तो ये मेकअप ट्यूटोरियल आपके लिए इतना ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसमें मैं रेड कलर की साड़ी वेयर करने वाली हूँ, क्योंकि रेड कलर की साड़ी हर फंक्शन में अच्छी लगती है और बनारसी जो लुक है वो इतना ज़्यादा रॉयल लगता है। हर लुक हर टाइम पे इतना रॉयल लगता है और साथ ही थोड़ा अच्छा मेकअप कर ले तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा। तो उसी सोने पे सुहागे को हम अभी तैयार करेंगे। तो थोड़ी सी मेरी आवाज़ ख़राब है, उसको ध्यान में ना रखते हुए सिर्फ मेरे चेहरे पर ध्यान दे। तो आज मेकअप का ट्यूटोरियल हम पूरा शुगर के प्रोडक्ट से ही बनाने वाले हैं और सबसे पहले मैं मेरे फेस को अच्छे से प्राइम कर दूँगी। और प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का द मोस्ट एलिजिबल स्मूथनिंग प्राइमर। हमारा फेस अच्छे से प्राइम हो गया है, अब इस पूरे फेस को अच्छे से इल्यूमिनेट कर देंगे। इल्यूमिनेटर यूज़ करने के बाद हमारा फेस काफ़ी ग्लोसी हो जाता है, तो हमको थोड़ा मेकअप इंडियन, हमको मेकअप इंडियन क्रिएट करना है तो इंडियन मेकअप तो ग्लोसी ग्लोसी बहुत होता है। तो इल्यूमिनेटर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का ब्लिंग लेडर और इसका शेड है गोल्ड डिगेन 01। फेस अच्छे से इल्यूमिनेट हो चुका है, अब मैं मेरे फेस पर डायरेक्ट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और मैं आज के ट्यूटोरियल में कम से कम प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको मेकअप ट्यूटोरियल क्रिएट करने में कोई भी कठिनाई नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे अगर मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं, हो सकता है किसी को यूज़ करने आए या फिर ना आए, नहीं आएंगे तो वो मेरे ट्यूटोरियल देख के सीख ही लेगा, पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ना, कम प्रोडक्ट में आप अच्छे से अच्छा मेकअप ट्यूटोरियल क्रिएट करें। तो मैं यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ शुगर का स्टिक फाउंडेशन और इसका शेड 15। बहुत ही अच्छा शेड है, ये मेरे फेस के लिए एकदम परफेक्ट शेड है। फाउंडेशन हमारे फेस पर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और अब मैं कंसीलर लगा दूंगी। कंसीलर में यहाँ पर शुगर का कॉर्न लीची यूज कर रही हूँ, कॉर्न लीची इसका शेड है। थोड़ा सा लीड्स पर ज़्यादा ले रही हूँ। कंसीलर मैंने अच्छे से मेरे फेस पर अप्लाई कर दिया है, अब इस कंसीलर और फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लेती हूँ सेट द टोन पाउडर से। शुगर का सेट द टोन पाउडर है और ये बहुत ही अच्छा है। ये सेट द टोन पाउडर इस टाइप का पाउडर है। बनाना पाउडर और ट्रांसलूसेंट पाउडर में फिक्स कलर होते हैं और कॉम्पैक्ट के भी अलग अलग कलर होते हैं, पर ये कॉम्पैक्ट के ही शेड के अलग अलग, कॉम्पैक्ट के शेड में लूज पाउडर आपको प्रोवाइड किया गया है जो कि बेकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पूरे फेस पर मैंने सेट द टोन पाउडर अच्छे से अप्लाई कर दिया है, अब मैं मेरी आईब्रोज को फिल कर दूंगी क्योंकि थोड़े बहुत अभी गैप्स हो चुके हैं। मैं यहाँ पर मेरी आईब्रोज को फिल करने के लिए शुगर का आईब्रो डिफाइनर यूज़ कर रही हूँ और इसका शेड है 04, डार्क शेड है क्योंकि मुझे डार्क आईब्रोज है, इसलिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेड्स अवेलेबल हैं। आईब्रो अच्छे से फिल हो गई है, अब आ जाती है आई मेकअप की बारी। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पर शुगर की वंडर वुमन सीरीज से पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसका शेड 02 है। तो इसके अंदर सारे ही बहुत ही अच्छे अच्छे शेड हैं, ये हमारे इंडियन लुक को क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली पैलेट है क्योंकि इसके अंदर एकदम ब्राइट कलर्स हैं और साथ में न्यूड भी। तो सबसे पहले मैं मेरा एज ए ट्रांजिशन शेड यूज़ करने वाली हूँ ये ब्राउन शेड, जो कि कॉन्टोर का शेड है और इसमें से मैं ये रानी रेड का ये कलर का शेड यूज़ करूँगी। क्रीज लाइन को मैंने डार्क कर लिया है, अब इनर कॉर्नर में मैं ये गोल्डन शेड और ये शिमरी गोल्डन दोनों मिक्स करके लगाने वाली हूँ। आप इसके पिगमेंट्स देख सकते हो, इतना अच्छा पिगमेंटेड शेड है गोल्डन। एक आई का मैंने आई मेकअप आधा अधूरा डन कर लिया है, अब इस आई का एक मेकअप कर लेती हूँ। अब आ जाती है आई लाइनर की बारी। आई लाइनर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी शुगर की आई लाइनर मैं यूज़ करने वाली हूँ। शुगर की बहुत ही अच्छी आई लाइनर है, ग्लोज बोज 24 आवर्स आई लाइनर और ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होती है और इतनी मस्त इससे थिक और थिन लाइनर दोनों ही क्रिएट हो जाती हैं।
आईलाइनर लग चुकी है, अब मैं मस्करा लगा दूंगी। मस्करा मैं बहुत ही अच्छा यूज़ कर रही हूँ शुगर का, और ये शुगर का सबसे अच्छा इन्वेंटेड प्रोडक्ट है। इसके अंदर हमको आईलैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हमारे लैशेस को वॉल्यूमनाइज भी कर देता है। एक बार हमने एक कोट मस्करा की और आप देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है। थोड़ी कर्ल्स कर दूंगी ना लैशेस को, इसके बाद और अच्छा लगेगा। आईलाइनर मैंने लगा दी है, आगे से थोड़ा विंग ड्रॉ किया है, पीछे से थोड़ा लार्ज विंग ड्रॉ किया है। अब लगा देती हूँ मैं काजल। काजल भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर की। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने खोला, आगे का नोज़ल ही मेरे हाथ से टूट गया। तो ये यहाँ पर शुगर का शार्पनर, उसको अच्छे से शार्प कर देती हूँ। अब इसको मैं अच्छे से लगा देती हूँ। कितनी ज़्यादा अमेजिंग काजल है, आप देख सकते हो एक ही स्ट्रोक में अच्छे से लग जाती है। काजल लग चुकी है, अब आ जाती है फेस की बारी। तो फेस पर मैं अभी अच्छे से ब्राउंस कर देती हूँ। आज मैंने क्रीम कॉन्टोर नहीं यूज़ किया है, शुगर का मिनी ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ। ब्रॉन्ज मैंने मेरे फेस पर अच्छे से लगा दिया है। अब आ जाती है ब्लश की बारी, मेरा फेवरेट, और मैं यहाँ पर ब्लश यूज़ कर रही हूँ शुगर का मिनी ब्लश। और इसका शेड भी बहुत अच्छा है, थोड़ा रेड टाइप का शेड है, और हमारी साड़ी भी रेड है तो परफेक्ट जाने वाला है। और अब आ जाती है हाइलाइटर की बारी, और हाइलाइटर भी मैं यहाँ पर आज छोटे छोटे प्रोडक्ट्स ही यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर में यहाँ पर मिनी यूज़ कर रही हूँ शुगर का, इसका शेड है गोल्ड अगेन, और थोड़ा सा हाईलाइट में मेरे आईब्रो बोन को भी कर दूंगी। अब आ जाती है लिपस्टिक की बारी। लिपस्टिक लगाने से पहले मैं मेरे लिप्स को अच्छे से शेप कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर शुगर की लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी लिप लाइनर है ये। रोशनी पास में बैठी है, एक चीज़ याद आ गई, लिपस्टिक लगाने से पहले लिप्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं लिप बाम से। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर लिप लाइनर मैंने शार्प कर दी है। मैंने लिप लाइनर अच्छे से लिप्स के अंदर फिल कर दी है, क्योंकि इससे हमारी जो लिपस्टिक है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टे करती है। हालांकि जो मैं अभी शुगर की मैट अटैक लिपस्टिक लगाने वाली हूँ, ये बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे भी करती है, और इसका जो मैट का लुक है वो ज़बरदस्त का है। यहाँ पर मेरा पूरा मेकअप डन हो चुका है, आप देख सकते हो। अब इस पूरे मेकअप को मैं अच्छे से सेट करने के लिए यहाँ पर शुगर का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, और ये सेटिंग स्प्रे है मैट, ये हमारे पूरे मेकअप को मैट रखेगा। ये है मेरा फाइनल मेकअप, अब मैं दिखाऊंगी आपको हमारा फाइनल लुक। तो ये है हमारा फाइनल लुक, आप देख सकते हो मैंने रेड बनारसी साड़ी पे कितना अच्छा मेकअप लुक क्रिएट किया है, और लाइटली बालों को वेव दिया है कलर की हेल्प से, और रेड नेल पेंट लगाई है, रेड ग्रीन चूड़ा पहना है जो कि इस लुक को बहुत ही अच्छा बना रहा है, और गले में ग्रीन चौकर पहना हुआ है, क्योंकि साड़ी इस पर मुझे चौकर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उससे थोड़े जो लुक है वो स्लिमर आता है हमारे फेस का। तो आप देख सकते हो, अगर ये मेकअप ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर आपको लगता है कि ये ऐसा लुक किसी को क्रिएट करना है तो उसको प्लीज़ शेयर करें, उससे काफ़ी हेल्प होगी। और आज के मैंने मेकअप के ट्यूटोरियल में बिहाइंड द सीन भी बताए हैं, तो इस मेकअप ट्यूटोरियल के जस्ट बाद में वो ही वीडियो आने वाली है, तो उसको भी जाकर एंजॉय करें, और आपको पता चलेगा कि मेकअप ट्यूटोरियल के पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो देखने में भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो यहीं पर आपसे मैं अलविदा ले लेती हूँ, और अब नेक्स्ट मिलूँगी आपको अच्छे से मेकअप ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय।